कोरबा जिले में कोयला, डीजल और कबाल का अवैध कारोबार जोर पकड़ने लगा है, जिसको लेकर विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। कुछ सरकारी नुमाइंदों की सरपरस्ती में चलने वाले गोरख धंधे को लेकर पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर भी कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। तो अब शहर के एक व्यवसायी गुलाम मोहम्मद ने भी सबूतों के साथ इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, पर शिकायत के मुताबिक कुछ हिस्ट्री शीटर माफिया कबाड़, डीजल और कोयले का अवैध कारोबार कर रहे हैं। जिले की खदानों और औद्योगिक संयंत्रों के अलावा घरों में लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन माफिया के सिर पर किसी सफेद पोश का हाथ होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता। कॉपी लगाई है, इससे पहले उनके ऊपर जिला बदर लग चुका है, 6 महीने की जिला बदर उन्होंने रह चुके हैं बाहर 6 महीना, और पहले उसके ऊपर कई सारे घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, हथियार, वसूली, डकैती, सब चीजों का इसमें ब्यूरा। तो कोयला, डीजल और कबाड़ का काला कारोबार चल रहा है, इसको लेकर के सबूतों के साथ में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक इस ओर जिम्मेदारों का या पुलिस प्रशासन का कोई कार्रवाई करने को लेकर के रुख करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि इसमें संलिप्तता और संरक्षण का खेल काफी दूर तक का नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कोयला, डीजल और कबाड़ की चोरी के मामले पर सबूत के साथ में शिकायतें की गई हैं, लेकिन इन शिकायतों का अभी तक कोई निराकरण क्यों नहीं हुआ, अभी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मनोज जी, आपको बताना चाहूंगा कि समस्या परे है कि जो है कोरबा जिले में काफी अरसे बाद जो है कबाड़, कोयला और जो है डीजल चोरी की घटनाएं सामने आई है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग है और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसकी जानकारी है, लेकिन वो मुख दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। इसे लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी आवाज उठाई थी, कई आरोप लगाए थे डीजल चोरी को लेकर, कबाड़ चोरी को लेकर, कोयला चोरी लेकर, लेकिन अब तक उसका कोई परिणाम सामने नजर नहीं आ रहा है। इस बार फिर से एक युवा व्यवसायी गुलाम मोहम्मद ने आवाज उठाई है और कलेक्टर, एसपी समेत कई जगह पत्राचार किए हैं कि वो इस पर अंकुश लगाया, किसी न कहीं ना कहीं कोरबा जिले में जो अवैध कबाड़, कोयला और आपका डीजल का जो सरगना है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ तमाम संयंत्र हैं जहाँ कोयला, कबाड़ और जो है कोयला को लेकर कई खेल हो चुके हैं पहले भी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज।